हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। एक्चुअली कल के कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे कंफ्यूजन है, जो क्लियर करना है। देखो, मैंने कहा था वासुकी जो है वो 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। वासुकी जो है जो 5 फ्रेट ट्रेन से मिला के बनाई गई है वो कितनी है, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग है। शेषनाग जो है शेषनाग जो है वो 2.8 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया था। शेषनाग जो है वो 2.8 किलोमीटर लॉन्ग है, मेरे गले को क्या हुआ पता नहीं, 2.8 किलोमीटर लॉन्ग है। और सुपर एनाकोंडा जो है वो 2 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। सुपर एनाकोंडा फुली लोडेड थी, 15,000 टन से भी ज़्यादा इसने जो है सामान ढोया है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन ये 2 किलोमीटर थी, ठीक है, 2 किलोमीटर थी शेषनाग, 2.8 किलोमीटर सुपर एनाकोंडा, 2 किलोमीटर। और सेकंड पॉइंट पीर पंजाल टनल। पीर पंजाल टनल इंडिया की सबसे बड़ी रेलवे टनल या फिर लॉन्गेस्ट टनल कहेंगे पीर पंजाल या फिर बनिहाल टनल, जो कि 11.2 किलोमीटर लॉन्ग है। तो मैंने इसको कल 10.96 कहा था या 10.94 समथिंग। तो देखो, इसका इतना चेंज होते रहता है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहते हैं। तो याद रखना है आपको 11.2 किलोमीटर। आपको ये अच्छा जिसका डिस्टेंस नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई सबसे लंबी लॉन्गेस्ट टनल कौन सी, तो वो है पीर पंजाल टनल, ठीक है, याद रखना है। अब चलिए, सबसे बड़ा यू नो लार्जेस्ट यार्ड है ये, इंडियन रेलवे का ही नहीं, ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। तो ये है हमारा मुगल सराय जंक्शन, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। क्या कहेंगे, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे पहले मुगल सराय जंक्शन कहा जाता था, मुगल सराय जंक्शन कहा जाता था, है ना। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। सेकेंडली यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट बनता है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है पॉइंट कि भाई ये कौन से जोन में आता है, तो ये ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल जोन में आता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल बात है, इसका रट्टा मार लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मदद एप्लीकेशन। अब मदद एप्लीकेशन जो है, देखो इंडियन रेलवे की बहुत सारी एप्लीकेशन है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा एप्लीकेशन से आपको करना है, एक्स्ट्रा मत करो। तो मदद एप्लीकेशन या फिर आप कहेंगे आस दिशा, आस दिशा एक रेलवे, इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है, ये देखो आस दिशा क्या है, ये एक चैट बॉट है, क्या है ये एक चैट बॉट है। इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट पे ना आप देखना, चार्ट बोट है ये, इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे देखना आप, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप इसको पूछ सकते हो। जैसे आप अलेक्सा, नहीं अलेक्सा गूगल असिस्टेंट को पूछते हो, उसी तरह से मैंने अलेक्सा जैसे ही कहा मेरे मोबाइल का अलेक्सा ऑन हो गया। तो देखो इस तरह से, तो मदद एप्लीकेशन का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। मदद एप्लीकेशन का फुल फॉर्म है ये जो देखो अरे अलेक्सा तुझे बात नहीं की थी मैंने। तो देखो मदद एप्लीकेशन का कुछ इस तरह से है कि इसका फुल फॉर्म याद रख लो पहले, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। मैं इसका रेड कलर चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है, मदद एप्लीकेशन का फुल फॉर्म। और ये जो है पैसेंजर ग्रीवेंसेस के लिए, ठीक है, पैसेंजर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस एप्लीकेशन को बनाया गया है। इसके साथ साथ इसको रेल मदद भी कहते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है, रेल मदद भी कहते हैं इसको और मदद एप्लीकेशन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देखो, तो इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरह से है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक है, समझ लो, मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल, ठीक है। ये जो है पैसेंजर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक इनका फुल फॉर्म है, पैसेंजर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत ये बनाया गया है। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप जब ट्रैवल करते हो, तो आपने क्या करना है, मदद एप्लीकेशन पे आपका आईडी एंड पासवर्ड वगैरह ले लिया जाएगा, आईआरसीटीसी सिखाई, और फिर क्या करेंगे कि आप जो भी आपका प्रॉब्लम है कंप्लेन कर सकते हो विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स, और विद इन द जर्नी आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होता है विद इन द जर्नी एंड ऑल, तो वो प्रॉब्लम के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर वो एक्शन लिया गया है और सक्सेसफुल हुआ है वो भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एक मैसेज भी आएगा कि भाई आपने इस तरह से जो है ट्रांसपेरेंट, हमारी जो ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखा है एंड ऑल, इस तरह से मतलब कुछ एक बड़ा सा लंबा सा उनका मैसेज आता है। तो बस इतना याद रखो कि मदद एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिज़ायर असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल,
ठीक है, ये एप्लीकेशन है रेल बोट, रेल मदद भी कहते हैं इसको, और एक है मीनू, मीनू रेल्स करके, मेनू मेनू ऑन रेल, मेनू ऑन रेल। तो ये देखो बहुत लंबी लंबी जब जर्नी हम करते हैं तो हम देखते हैं ना कि इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे के मेनू में क्या लिखा, मतलब क्या है आज खास इस तरह से, या फिर कुछ ऑर्डर कर सकते हैं या हम, या फिर यू नो कि रेलवे स्टेशन से ही खरीदे। तो मेनू ऑन रेल करके जो है पीयूष गोयल जी ने ही इसको क्या कहेंगे लॉन्च किया था, मदद रेल मदद और मेन्यू ऑन रेल को, ठीक है ये याद रखना है। तो ये बस खाना पीना जो भी स्नैक्स वैक्स होता है ना वो सब कुछ रेलवे में कौन सा अवेलेबल है इसके बारे में, ठीक है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, और आस दिशा वो याद रखना, ठीक है आस दिशा वो याद रखना, और सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, ठीक है इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, हबीबगंज प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। हबीबगंज कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये देखो इस तरह से मतलब एयरपोर्ट लाइक रेलवे स्टेशन है, बहुत ही बढ़िया, क्या कहेंगे इसको, फाइव स्टार होटल की तरह ये रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। ये बंसल ग्रुप, एक्चुअली बंसल ग्रुप जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये लिख लो बंसल ग्रुप, बंसल ग्रुप जो कंपनी है वो इंडियन रेलवे के साथ मिलकर ये बना रही है। जून 2016 में कुछ इसका जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा भाई बंसल ग्रुप के बारे में पूछा जाएगा। और ये जो है देखो ये रेलवे स्टेशन जो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंदर आता है, WCR के अंडर आता है, किसके अंदर आता है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के अंडर आता है, ठीक है ये समझ लीजिए। और क्या पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने लायक है, हाँ इन्होंने इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, तो जर्मनी का एक रेलवे स्टेशन है, ठीक है कौन सा, जर्मनी का एक रेलवे स्टेशन है हिडलबर्ग करके, क्या नाम है ये ध्यान रखना, ये नाम हिडलबर्ग, ठीक है हिडलबर्ग करके रेलवे स्टेशन का नाम है। और जर्मनी ही वो देश है जिसने पहला हाइड्रोजन पावर रेलवे चलाया था, ठीक है पहला हाइड्रोजन पावर्ड रेलवे, ठीक है हाइड्रोजन पावर रेलवे। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपके लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया है, PYP है बट अब ये स्टैटिक बन जाता है, तब वो करंट अफेयर था बट ये अब स्टैटिक बन जाता है, ठीक है याद रखना है आपको, ठीक है। तो इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बनने जा रहा है, हबीबगंज बनने जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है जो कि मध्य प्रदेश में है हबीबगंज, ठीक है कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और इसको इसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, जर्मनी का हिडलबर्ग जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिली है, वेस्ट सेंट्रल जोन के अंदर आता है, ठीक है वेस्ट सेंट्रल जोन के अंदर ये आता है। अच्छा मैंने कल आपको दो तीन कमेटी बताई थी, एक्वर्ड कमेटी, विवेक देवराय कमेटी, और एक कौन सी तो कमेटी बताई थी मैंने, लेट मी रिकॉल हिज नेम, कुछ तो कमेटी बताई थी मैंने, हाँ कंजारू कमेटी बताई थी रेलवे के एक्सीडेंट के बारे में। आज देखो सैम पिटोड्रा कमेटी किससे रिलेटेड है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे याद कर लो। और कल मैंने कौन सा बताया था आपको, नया वाला कंजारू कमेटी किससे रिलेटेड है, रेलवे एक्सीडेंट की स्टडी के लिए, ठीक है रेलवे एक्सीडेंट की स्टडी के लिए कि भाई क्यों हो रहे रेलवे एक्सीडेंट्स, है ना इसकी स्टडी के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, या फिर इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौन सा है, बोगीबील ब्रिज इन असम। तो बोगीबील ब्रिज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं, वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ ये कितना इसका मतलब लेंथ कितना है, ये ध्यान में रखो इसका लेंथ है अराउंड 4.94 किलोमीटर, ये याद कर लो, एक भी डिजिट इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है 4.94 किलोमीटर, कितना 4.94 किलोमीटर, ठीक है 4.94 किलोमीटर है। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, कौन से रिवर पे है? ये भी पूछा जा सकता है भाई, कौन से रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, ठीक है। सेकेंडली इनॉग्रेट किसने किया था, इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी जी ने कब इनॉग्रेट किया था, ये इम्पॉर्टेंट है, कब इनॉग्रेट किया था, 25th ऑफ दिसंबर
2018 में किया था। अब 25th ऑफ दिसंबर को ऐसा क्या मनाया जाता है, 25th ऑफ दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, याद रखना है आपको। तो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट है, अब इसकी आधारशिला या फिर ये फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था, ये अगर क्वेश्चन बना, बहुत ही हार्ड अगर पेपर बनाना चाहे तो ही बनेगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज मुझे नहीं लगता। बट फिर भी देख लो इसका फाउंडेशन जो है किसने रखा था, HD देवगौड़ा 1997 में रखा गया था। कब? 1997। देन प्राइम मिनिस्टर HD देवा गौड़ा। और ये डिब्रूगढ़ से ईटानगर जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, किस किस दो जगहों को जोड़ता है। तो ये डिब्रूगढ़ टू ईटानगर को जोड़ता है। और ये जब ये ब्रिज बना था, एक्चुअली ये देखो रोड 3-लेन रोड है, ठीक है, ऊपर रोड है, याद रखना है ये जो है पूरा 3-लेन ऊपर रोड है, और इसके अंडर ही टू लेन आपकी रेलवे है, ठीक है, दो लाइन रेलवे है ऐसे। और ये ब्रॉड गेज ही है, ये भी याद रखना है, ब्रॉड गेज ही है। और ये जो है देखो इंडियन मिलिट्री के लिए एक बहुत ही बढ़िया बात है, ये एकदम टिप पे आपको लेके जाके पहुंचा देगी, जहाँ पे चाइनीज बॉर्डर है तो वहाँ पे फटाक से आप पहुँच जाओगे। और इंडियन रेलवे ने ही कहा है कि ये 705 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम कर रही है डिब्रूगढ़ टू ईटानगर, ठीक है। अगर बाय रेल देखा जाए, ठीक है, बाय रेलवे रूट रेल रूट देखा जाए तो 705 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कम कर रही है, और अगर बाय रोड देखा जाए, ठीक है, तो 105 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कम कर रही है। तो ये डिब्रूगढ़ से ईटानगर के बीच में का, ठीक है, डिब्रूगढ़ से ईटानगर के बीच में का ये जो है डिस्टेंस कम कर रही है। तो बोगीबील से इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, अब याद रखना है कि भाई इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बोगीबील कहाँ पे है, असम में है। इनॉग्रेट किसने किया था? पीएम मोदी जी ने किया था। कब किया था? 25th ऑफ दिसंबर 2018 को किया था। 25th ऑफ दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। इसने कितना डिस्टेंस कम कर दिया है डिब्रूगढ़ से ईटानगर का? तो 705 किलोमीटर इन रेलवे रूट और 105 किलोमीटर इन रोड रूट। और फिर क्या याद रखना है कि भाई इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो कब रखा गया था? तो 1997 में रखा गया था। कौन थे प्राइम मिनिस्टर जब? HD देवगौड़ा जी थे, ठीक है, डिब्रूगढ़ से ईटानगर जोड़ती है। तो ये सारे पॉइंट है, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं हम। और हाँ, इसका लेंथ कितना है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो, 4.94 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया की पहली CNG पावर ट्रेन। तो इंडिया की पहली CNG पावर ट्रेन किसने इनॉग्रेट की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कौन से रूट पे है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो ये जो है हमारे देन रेलवे मिनिस्टर, जब हमारे रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने की थी, ये सुरेश प्रभु जी ने की थी, ठीक है, सुरेश प्रभु जी ने की थी। हरियाणा में रेवाड़ी से रोहतक का ये पूरा डिस्टेंस जो है इस ट्रेन ने किया था, ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन बन सकता है। देखो इंडिया की पहली CNG पावर जो ट्रेन है रोहतक टू रेवाड़ी से इन्होंने एक्चुअली किया था, हरियाणा, सुरेश प्रभु जी ने। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको सुरेश प्रभु जी, देखिए डन। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ। हाँ देखो कहाँ से कहाँ तक है पहली CNG ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे, या फिर इंडिया की इस पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी, ठीक है, रेवाड़ी से रोहतक चली थी टू रोहतक, ठीक है, रोहतक, और ये कहाँ पे है? हरियाणा। इनॉग्रेट किसने किया था? सुरेश प्रभु जी ने किया था, एक्चुअली ये देखो क्या हुआ ना, 2015 में इनॉग्रेट हुआ था ये, और सुरेश प्रभु जी तब के रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है, तब के रेलवे मिनिस्टर थे। इनके बाद पीयूष गोयल जी आए, फिर अश्विनी वैष्णव जी आए, ठीक है, तो अभी तो अश्विनी वैष्णव जी है, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंडिया की पहली सोलार ट्रेन जो है वो 14th ऑफ जुलाई 2017, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये सफदरगंज स्टेशन, जो हमारा दिल्ली का स्टेशन है, सफदरगंज स्टेशन,
ठीक है, वहाँ पे चली थी ये, ठीक है वहाँ पे चली थी, तो यहाँ पे बन जाएगा स्पेस। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। तो पहली जो हमारी सोलर ट्रेन चली थी, अगर पूछा जाए तो दिल्ली में, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अगर पूछना चाहे तो ये सरई रोहिला, ठीक है, सरई रोहिला टू फारुक नगर, कहाँ तक, फारुक नगर, ठीक है, न्यू दिल्ली में चली थी, न्यू दिल्ली में चली थी, याद रखना है आपको, 2017 में चली थी। ठीक है, 2017 में चली थी। इंडिया की पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन कब चली थी, अगर ये पूछा जाए कि भाई पहली इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन, इंडियाज फर्स्ट, ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन कब चली थी, ये चली थी 1925 में, कब चली थी 1925 में, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, अगर ये भी पूछा जाए तो विक्टोरिया से लेके कुर्ला तक चली थी, कहाँ तक, विक्टोरिया से लेके कुर्ला तक चली थी। विक्टोरिया क्या है, जो अभी CSMT है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, ये तो हो गया। ठीक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पागल की तरह हो गया एग्जामिनर, तो इस टाइम का लॉर्ड पूछ लेगा, मतलब गवर्नर जनरल पूछ लेगा, तो वो भी याद रखो भाई कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग था। 1921 से लेके 1926 के दरमियान जो है ये गवर्नर जनरल था इंडिया का। ठीक है, ये याद रखना है आपको, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं एक्चुअली, वन बाय वन मैं देख देख के बताती हूँ आपको। मैंने पूरे पॉइंट्स जो है वो इकट्ठा मेरे डायरी में लिखे हैं, मतलब बहुत गंदी गंदी हैंडराइटिंग है, इसलिए मैं दूंगी तो नहीं आपको ये डायरी, क्योंकि बहुत ही गंदा लिखा है मैंने, बट हाँ मैं पूरे पॉइंट्स यहाँ पे जो है नोट डाउन कर रही हूँ, तो आपको भी वो पॉइंट नोट डाउन कर लेने या फिर याद करने। ठीक है, अच्छा, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट ट्रेन, हैंडराइटिंग ही गंदी आती है मेरे, पता नहीं क्यों, ये 1964 में बनी थी। ठीक है, 1964 में कहाँ पे, जापान में। ठीक है, जापान में, शिनकानसेन नाम है इसका, क्या है, शिनकानसेन, क्या नाम है, शिनकानसेन में जो है पहली, दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन चली थी 1964 में जापान में। अब इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, तो इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन, तो इसका रूट क्या है, ये रूट पूछा जाएगा मुंबई से लेके अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई से लेके अहमदाबाद, अभी तक बन के रेडी नहीं है तो हमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रूट याद कर लो, मुंबई से लेके अहमदाबाद। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको दो प्राइवेट ट्रेन बता रखी है। ठीक है, तेजस ही है लेकिन अलग अलग रूट पे है, लखनऊ दिल्ली वाला, अहमदनगर मुंबई वाला। ठीक है, अब तीसरी प्राइवेट ट्रेन बनी है, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने जो है अच्छा दिमाग लगाया, मुझे ऐसा लगता है, पहले पता नहीं इनको क्या हुआ था, IRCTC ने बनाया। ठीक है, IRCTC ने बनाया थर्ड प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया, ये कौन सी है, महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, कौन सी है, एक मिनट, हाँ, कौन सी है, थर्ड प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया, महाकाल एक्सप्रेस, यहाँ पे लिख देते हैं, महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, महाकाल एक्सप्रेस, ये देखो वाराणसी टू उज्जैन जोड़ेगी, वाराणसी टू उज्जैन। उज्जैन कौन से नदी के किनारे है, ये शिप्रा नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है पता नहीं क्यों, तो शिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, एक ना इंडियन रेलवे की लाइफलाइन एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, कौन सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस, याद रखना है आपको, लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो ये जो है एक्चुअली मोबाइल हॉस्पिटल कह सकते हो आप, ये व्हील ऑन हॉस्पिटल भी कह सकते हो। ठीक है, सॉरी, हॉस्पिटल ऑन व्हील कह सकते हो आप इसको। ठीक है, हॉस्पिटल ऑन व्हील। ठीक है, तो ये जो है ये एक एक्सप्रेस है, लाइफलाइन एक्सप्रेस, जो रेलवे मूविंग हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटी इन रिमोट एरियाज। ठीक है, जहाँ पे
एक्चुअली बहुत अच्छे से यू नो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह नहीं है, मतलब बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटल का वगैरह। तो ये ट्रेन चलती है उस रूट पे, ठीक है, उस रूट पे चलती है और फिर वहाँ पे कुछ इसका हॉल्ट होता है दो दो तीन तीन घंटे का, फिर जो भी लोग बीमार वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं और फिर डॉक्टर लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है ये, याद रखना है आपको। अच्छा, इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन, स्पेलिंग देख लो भाई, ठीक है, स्पेलिंग देख लो, स्पेलिंग पता नहीं क्यों मैं गलत कर दे रही हूँ, फुल्ली सोलर पावर्ड। तो ये कौन सा है, गुवाहाटी का है, ठीक है, गुवाहाटी असम है, ठीक है, देख लेना। इसीलिए मैं ना लाइव नहीं आती हूँ क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा क्या कहे, ये टेक्नोलॉजी से अपना थोड़ा सा नाता ही सही नहीं है। तो गुवाहाटी असम, अच्छा, इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड, इंडिया का ही नहीं एक्चुअली, वो तो दुनिया का पहला है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट आपके लिए। वर्ल्ड्स, ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये है कोची केरला, ठीक है, कहाँ पे है, कोची केरला, याद रखना।